और आज हम बात करने वाले हैं जीटीए 5 में कंट्रोल्स कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे गाइस पहले अपन वाई सिटी खेलते थे या फिर सैन एंड्रियास खेलते थे, तो उसमें मूवमेंट सैन एंड्रियास का पता नहीं, वाई सिटी में अपन मूवमेंट कंट्रोल्स क्या होते थे कि मतलब एरो कीज से आगे पीछे और मतलब राइट लेफ्ट जो भी है एरो कीज से होता था, और उसमें WASD से भी होता था और एरो कीज से भी होता था। तो सब लोग एरो कीज यूज लेते थे, तो उससे आदत पड़ी हुई है, मेरे को भी पड़ी हुई है। मैंने वाई सिटी जितना आज तक मैंने कोई गेम नहीं खेला, वाई सिटी COC वगैरह जो भी है, इनसे लंबा आज तक मैंने कोई गेम नहीं खेला, मतलब इनके जितना। तो अभी जैसे GTA 5 में मेरे को तो चलो आदत पड़ चुकी है अभी WASD की, और एरो कीज भी मैंने सेट कर रखी है, लेकिन वो केवल व्हीकल कंट्रोल्स में सेट कर रखी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उसके बाद, मतलब वो कैसे सेट करते हैं। सीधा टॉपिक पे आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे आप नॉर्मल चालू कर, ये क्या है भाई, ये कहाँ पे आ गया मैं, एक मिनट, आए हाय भाई, लिटरली गाइज एकदम रियलिटी जैसे फीलिंग आ रही है अंदर से। ओ भाई यहाँ से मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है पानी मतलब बस अंदर घुसने वाला है। मतलब गाइज आप कमेंट करके बताना, मतलब यहाँ पे एकदम रियलिटी जैसी फीलिंग आ रही है मेरे को, बिल्कुल रियलिटी जैसी। तो ये बकवास मैं बाद में करता हूँ, आपको ESC प्रेस करना होगा। ESC प्रेस करोगे तो जो आपका ये पॉज मेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे मैप आ जाएगा, तो आपको ऊपर की साइड देख रहे हो, आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैप ब्रीफ स्टैट सेटिंग्स गेम ऑनलाइन। तो अभी आपको क्या करना होगा, जो राइट साइड का एरो की है उसको प्रेस करना होगा। अब जैसे ही आप राइट साइड का एरो की प्रेस करोगे तो आप इस साइड से स्विच होते जाओगे, तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे आ जाओगे तो एंटर प्रेस कर देना। एंटर प्रेस करोगे तो इसमें ये सब खुल जाएगा, और आप माउस से भी कर सकते हो। जैसे माउस को मैं मैप पे ले गया, और क्रूज़र को मैप पे ले गया, और फिर लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो उसमें स्विच हो जाएगा। वैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो इसमें स्विच हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, अब आपको क्या करना होगा, की बाइंडिंग्स वाले पे लेफ्ट क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इस पर लेफ्ट क्लिक, ये मतलब ये हाईलाइट हो जाएगा इसके बारे में, मतलब इधर राइट साइड जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी की बाइंडिंग लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करोगे तो आपकी ये लिस्ट खुल जाएगी, मतलब क्या क्या कंट्रोल्स हैं, जनरल कंट्रोल्स वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पे ये कंट्रोल से रखे हैं। अब जैसे पोज के प्राइमरी है पी, सेकेंडरी कुछ भी नहीं है, मतलब आप सेट कर सकते हो, मतलब एक चीज के लिए आप दो दो कंट्रोल सेट कर सकते हो। जैसे पोज आप पी से भी कर सकते हो, या फिर एक और बटन भी सेट कर सकते हो पोज के लिए। अब पी तो है ही, इन्होंने दे रखा है पहले से। अब सेकेंड आप खुद भी सेट कर सकते हो, या फिर इसको प्राइमरी को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब एक और बात बता देता हूँ, जैसे आप मूवमेंट में आप देख सकते हो, नॉर्मली अपन मूवमेंट करते हैं WASD से करना होता है। अब लोग क्या चाहते हैं कि मैं एरो की से मूवमेंट करूँ, तो मूवमेंट आप देख सकते हो, मैं भी WASD से करता हूँ, क्योंकि मतलब पबजी की वजह से आदत पड़ गई है मुझे। लेकिन अब जो गाड़ियाँ चलाते हैं ना उसमें मुझे आदत नहीं है, मतलब वो WASD से, तो मैंने एरो की सेट कर रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एरोज की सेट कर रखी है, यहाँ पे ये अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, वो WASD की जगह। अब देखो मैंने चेंज कर रखे कंट्रोल्स, इसलिए मैं वापस रीस्टोर कर लेता हूँ, मतलब ताकि मैं शुरू से बता सकूँ सारे कंट्रोल्स, मतलब उन ये तो अपन चेंज कर ही लेंगे, लेकिन इनके बारे में मतलब जो पहले से ये कंट्रोल्स हैं जिनके, वो भी वापस चेंज करने हैं। अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं बता देता हूँ, पहले मैं रीस्टोर कर लेता हूँ। अगर ये गाइज ये वाला ऑप्शन इसलिए भी काम में आता है, जैसे आपने गलती से कुछ टेढ़े मेढ़े कंट्रोल्स कर लिए है और मतलब ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा क्या करा था, तो वापस आप रीस्टोर कर लेना सारे, तो उससे वापस जो पहले जो कंट्रोल्स थे ना सेम वही हो जाएंगे, मतलब जो पहले से आते हैं। अब मैं रिस्टोर कर लेता हूँ, तो अभी जो है जो शुरू में आते हैं कंट्रोल्स वो हो चुके हैं। देखो अब मैंने व्हीकल वाले चेंज कर रखे थे, तो व्हीकल्स एक मिनट, ये रहा, ये WASD हो गया, WASD जो भी है। तो अभी आपको क्या करना होगा, जैसे अपन नॉर्मली किधर गया मूवमेंट, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब जैसे आपको ये WASD की जगह आपको एरोज की सेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, प्राइमरी पे क्लिक करना है, फिर वापस क्लिक करना है, तो क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक करना है वहाँ पे दो बार, एंटर भी प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे अब ये देखो ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सेट कर सकते हो अभी, तो अभी मैं अप एरो की सेट करता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ये कि अप एरो की है ना फ़ोन के लिए यूज में हो रहा है, तो आप उसको चेंज करना चाहते हो क्या, मतलब अब पहले जो है आप एरो की से फ़ोन खुलता था, तो अब उसकी जगह आप मतलब मूवमेंट कंट्रोल सेट करना चाहते हो, तो ये मतलब उसके लिए पूछ रहे हैं। अब देख लो यार इतना क्या मैं डिटेल में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये मतलब सेट हो चुका है। अब मूव बैक सेम, अब यहाँ पे इसमें डाउन एरो की वो वापस हुई है, मतलब ये फ़ोन के लिए यूज़ में हो रहे हैं ये चारों कीज़।
तो बार बार पूछेगा। अब लेफ्ट के लिए लेफ्ट एरो की सेम, और फिर राइट के लिए राइट एरो की। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो चेंज हो जाए, आप देख सकते हो ये चारों चेंज हो चुके हैं। अब आप एरो की से मूव करोगे। अब आते हैं व्हीकल, व्हीकल का भी तो चेंज करना है भाई। अब नो मूवमेंट नॉर्मल वाला तो कर लिया, पैदल चलने वाला, व्हीकल्स के भी करते हैं चेंज। अब इसमें सेम एरो की, वो सेम प्रोसेस, इस पर दो बार लेफ्ट क्लिक और फिर एरो की, फिर इसमें दो बार लेफ्ट क्लिक और फिर डाउन की, डाउन एरो की, फिर इसमें दो बार लेफ्ट क्लिक और फिर लेफ्ट वाला और इसमें राइट वाला। तो आप देख सकते हो दोनों चेंज हो चुके हैं, ये व्हीकल वाला और ये मूवमेंट वाला दोनों चेंज हो चुके हैं। अब आप सेल फोन में अलर्ट, मतलब ये मतलब अलर्ट का एक टाइप से लोगो आप बन रखा है, मतलब इसके अभी कोई कंट्रोल्स नहीं। अब देखो फोन अप डाउन लेफ्ट राइट, मतलब फोन होता है ना जो GTA 5 में, उसको भी तो हम कंट्रोल करते हैं। उसको पहले किससे करते थे? अप डाउन ये जो एरो कीज़ हैं इनसे करते थे। अब उनकी जगह हमने वो ले ली, तो अब यहाँ पे भी तो कुछ सेट करना होगा। अब यहाँ पे भी आपको दो बार लेफ्ट क्लिक करना। अब जैसे ही, अरे यार रुक जाना, यहाँ पे आपको दो बार लेफ्ट क्लिक करना होगा तो आप ये ब्लिंक करने लग जाएगा। तो आप कोई भी एरो की सेट कर लेना, आप कोई भी नहीं। जैसे आपने W सेट करोगे तो W उसमें लिखा आएगा कि ये पैराशूट को फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब ये W सेट मत करना मेरी मानो तो। इसमें आप कोई भी एरो की, जैसे नम पैड वाले की सेट कर लेना। एक मिनट, दो बार लेफ्ट क्लिक। अब नम पैड वाले कौन से? वन वन सेट कर लेना, वन वन किसी में नहीं यूज़ हो रहा। जैसे आपको अलर्ट वाला ऑप्शन ना आए ना, इतने आप जो भी की चाहे वो सेट कर लेना। मैं ये सेट कर रहा हूँ 1 2 और इसमें 3। नम पैड वाले सेट करना, ऊपर वाले यूज़ में आ रहे हैं, नम पैड वाले याद रखना, नम पैड वाले। जिनके नहीं है वो अपने हिसाब से देख लेना यार, जो भी मिल जाए आपको। अब देखो मैंने नम पैड 4 प्रेस किया तो 4 यूज़ में आ रहा है इसमें। जब जैसे अपन एयरक्राफ्ट को टर्न लेते हैं, मतलब एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर को 4 प्रेस करके शार्प लेफ्ट टर्न लेते हैं, जो खेलते होंगे उनको पता है। अब इसकी जगह कौन सा 7 यूज़ में ले लेता हूँ, 7 भी यूज़ में आ रहा है। कौन सा यूज़ में लूँ? 9 9 भी आ रहा है। कोई आ रहा है क्या ऐसा कुछ जो नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा, हाँ 0। तो गाइज ये तो मैंने सेट कर लिया। अब इससे कंट्रोल करना फ़ोन बहुत डिफ़िकल्ट है, ये लिटरली याद नहीं रहता कि वन से लेफ्ट जाता है कि राइट जाता है फ़ोन में। तो उसके लिए जैसे जिसके पास माउस है, मतलब जो कंप्यूटर में खेलता है या फिर एक्सटर्नल माउस है कि लैपटॉप के लिए भी, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है वो जो स्क्रॉल व्हील है ना, उसको ऊपर नीचे कर देना, आराम से यूज़ फ़ोन हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप चेंज करोगे ना तो सेकेंडरी में देखो यूज़ फ़ोन, प्राइमरी तो कोई की नहीं है, कोई भी की नहीं है आप देख सकते हो, लेकिन सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी ये जो आपको बीच में देखो ब्लैक कलर का डॉट हाईलाइट हुआ हुआ दिख रहा होगा, वो है मिड वाला स्क्रॉल बटन। कभी आपने, कभी मैंने भी पहली बार किया है, जैसे ही आप मिड वाला स्क्रॉल बटन दबा दोगे ना तो वो खुल जाएगा फ़ोन। थोड़ा अजीब लगेगा, मतलब ये कैसे बटन प्रेस करते हैं, मतलब जो नॉर्मली यूज़ में लेते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो पहली बार ले रहे हैं, मतलब मैंने, मुझे भी नहीं पता कि स्क्रॉल बटन भी प्रेस हो सकता है। मुझे भी इसी से पता चला कि स्क्रॉल बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे अपन राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हैं ना, ऐसे स्क्रॉल बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो स्क्रॉल बटन को प्रेस करोगे तो ये फ़ोन खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे प्राइमरी आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास माउस है, जिनके पास नहीं है वो सेट कर लेना, जो भी आप की सेट करना चाहो। और ध्यान रखना ऐसी की सेट करना जो पहले से यूज़ में ना आ रही हो, जैसे मैंने करा यहाँ पे 1 2 3 0, ठीक है। और अब यहाँ पे सेट हो चुका है। अब देखो आप जैसे आप नॉर्मल में आ गए, अब आप एरो की से क्या करते थे? फ़ोन खोलते थे। अब फ़ोन नहीं खुला है एरो की से, देखो फ़ोन आप एरो की प्रेस करोगे तो गाड़ी आगे पीछे होगी, वो फ़ोन आगे पीछे नहीं होगा। अब फ़ोन के लिए जैसे आप स्क्रॉल वाला मिडल स्क्रॉल वाला बटन प्रेस करोगे तो फ़ोन खुल जाएगा, आप देख सकते हो फ़ोन खुल गया। अब इसके लिए आप नॉर्मली जो यूज़ में लेते थे एरोज़ की, वो यूज़ में नहीं आएंगी, अब आएंगी 1 2 3 और 0। और आप जो स्क्रॉल वाला व्हील है उसको ऊपर नीचे से गोल गोल भी घुमा सकते हो। अरे जैसे स्क्रॉल करते हैं ना नॉर्मली अपन, तो वैसे स्क्रॉल करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के लिए एंटर है ही, एंटर करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और बैक से बैक हो जाएगा। मैं फ़ोन के कंट्रोल्स बता रहा हूँ और चेंज करने की वीडियो थी। वाह, अब मैं फ़ोन को बंद करता हूँ। अब गाइज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, मैं मतलब चूतियों की तरह समझाता हूँ, मुझे पता है, लेकिन क्या करें अब यही तो धंधा है हमारा। तो गाइज बस आज के वीडियो में बस इतना ही, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आपने चेंज कर लिए होंगे कंट्रोल्स, तो
करो, यूज़ करो अब बस, और फालतू बकवास सारे कंट्रोल चेंज मत कर लेना, सारे चेंज हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। मैंने भी करे थे, मैं सोचा बैठने के लिए एंटर प्रेस कर देता हूँ, वो सारे चेंज करके मैंने मतलब पूरा ख़राब कर लिया। फिर मैंने वापस रिस्टोर करे और फिर वापस वो एरो कीज़ वाले सेट करे केवल व्हीकल्स के लिए, और मैं भी प्रेफर करूँगा व्हीकल्स के लिए बेस्ट करेंगे। बाद से ऐसे आप मूवमेंट के लिए भी यूज़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि WASD यूज़ में लो, क्योंकि और गेम्स में भी यही यूज़ में आते हैं। तो बस गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।